यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ 15 से 16 जो वन लाइनर सीरीज के टर्म्स में हम लोग यहाँ पर चीजों को डिस्कस करेंगे, देन कुछ मेथड्स के बारे में आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और किसी भी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7708038040 पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ग्लोबल वर्ल्ड करके, राइट। और जल्दी वेबसाइट भी रेडी हो जाएगी, वेबसाइट पर भी आपको ये सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। और यदि आप CDP और EVS के नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे सेम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। CDP के 2500 क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है और साथ ही आपका EVS का भी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीकरण करना है। आपको पता है NCERT भी सेम थिंग बोलता है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों की जो सोच है उसका गणितीकरण करना, बच्चे जो है मैथ्स की टर्म्स में भी चीजों को सीख पाए, उनकी गणितीकरण की जो क्षमता है उसका विकास करना। ये तो आप देख लो कि CTET में हर बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये एक फिक्स पॉइंट है जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें शामिल है, मतलब गणितीकरण में क्या चीज़ें होती है, फिर गणितीकरण में हमारा आता है समस्या का समाधान करना, स्थिति का विश्लेषण करना। कोई भी स्थिति बच्चों को दे दी गई, मान लो बच्चों को एक समकोण त्रिभुज दे दिया गया और उसमें बोला गया कि इसके अंदर छोटे छोटे से इस तरीके से और भी त्रिभुज बना दिए गए, वर्ग बना दिया गया, आयत बना दिया गया, देन पूछा गया कि और कितने त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, तो इस तरीके से बच्चों के सामने समस्या रखी जाएगी, बच्चे समाधान करेंगे, उसको एनालिसिस करने को बोला जाएगा, अनुमान लगाने को बोला जाएगा, सन्निकट वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को बोला जाएगा, उसका स्टीकरण करने को बोला जाएगा, सादृश्यता की बात होगी, प्रस्तुतीकरण की, तर्कशीलता और प्रमाण की, और गणितीय संबंध और संप्रेषण की। मतलब गणितीकरण के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्थिति का विश्लेषण एनालिसिस करना, अनुमान लगाना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, उसका प्रस्तुतीकरण करना, उसका प्रमाण मतलब एक रिजल्ट कंक्लूजन निकालना, वो सारी चीज़ें, ठीक है, गणितीय संबंध निकाल पाना, संप्रेषण कर पाना, उससे रियल इंटरेक्ट हो पाना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, बच्चों के गणितीकरण के अंदर। दूसरा है, इसका उच्चतर उद्देश्य क्या होता है, इसका उच्चतर उद्देश्य होता है बच्चों के संसाधन को समृद्ध करना जिससे वे गणितीय ढंग से सोच सके और तर्क कर सके। मतलब बच्चे ना गणितीय ढंग से उस वे में सोच पाए, गणितीय तरीके से, जैसे कोई भी कैलकुलेशन बेस्ड वर्क हो गया तो बहुत आसानी से ओरली उन चीज़ को समझ पाए, वर्बली उन चीज़ को एक्सप्लेनेशन उनके पास हो। देन आता है मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल पाए और अमूर्त चीज़ों को समझ पाए, समस्या को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने की क्षमता का विकास करना। अब ये तो बेसिक उद्देश्य हमने देख लिया कि मुख्य उद्देश्य बच्चों का गणितीकरण करना है, और उच्चतर उद्देश्य की बात करें तो बच्चा गणित में भी कल्पनाशील जो चिंतन है उसको कंप्लीट कर पाए। लाइक हम लोग बच्चों को जब लाभ हानि वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो हम लोग उनको फॉर्मूला बेस्ड करवाते हैं, तो बच्चा जब उनके सामने फॉर्मूला ना हो, बच्चों के पास कोई भी पेन पेपर ना हो, तब भी वो काल्पनिक रूप से उस चीज़ को समझ पाए कि हाँ अगर वो 400 रुपये की चीज़ खरीदता है 10% का बट्टा उसको मिलता है, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट उसको होगा। ये सारी चीज़ें बच्चा ओरली अपने माइंड में भी उन चीज़ों को कल्पनात्मक रूप से भी समझ पाए, ठीक है। तो ये सारे इसके उच्चतर उद्देश्य के अंदर आते हैं। कौन कौन से, संसाधन को समृद्ध करना, गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त चीज़ों को समझ सके, और ये सूत्रबद्ध तरीके से सुलझाने की क्षमता का विकास बच्चे के अंदर आ जाना चाहिए। विद्यालय गणित के सीमित लक्ष्य होते हैं, लाभप्रद क्षमताओं का विकास विशेषकर अंक, ज्ञान, संख्या से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिक क्रियाएं, माप, दशमलव, प्रतिशत, इनकी जानकारी होना। आपने सिलेबस में भी देखा होगा, आपका मैथ्स का जो मेन सिलेबस है उसमें आपको ये बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। आपको बेसिक माप की जानकारी होना चाहिए, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है जो हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, उनका एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए, आप उनको कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर पाएँ। आपको दशमलव की जानकारी, आपको प्रतिशत की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमें वापस ये सारी चीज़ें बच्चों को एक्सप्लेन करनी होती है। तो विद्यालय गणित में आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए, ठीक है, और ताकि आप बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, गणित की शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य में और क्या क्या चीज़ें आ सकती है, बच्चों के ज्ञानात्मक जो है, भावात्मक जो है, विज्ञात्मक आयाम जो है, इनका एक अच्छे से डेवलपमेंट कर पाना,
ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, वेगात्मक आयामों के आधार पर उचित पाठ्यक्रम विधियाँ जनरेट करना, शिक्षण अधिगम सामग्री जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उन सामग्री को तैयार करना, मूल्यांकन प्रश्न तैयार करने में सहायता करता है, ये वांछनीय है, वैलिड है कि विशिष्ट उद्देश्य को जो सुस्पष्ट, सटीक और क्रियान्वयन और उपलब्धि करने योग्य होना चाहिए लिखित रूप में रहे। अब ये जो विशिष्ट उद्देश्य में हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही है, विशिष्ट उद्देश्य में आपको ये बोला गया कि बच्चों का जो एक ज्ञानात्मक डेवलपमेंट है, भावात्मक, वेगात्मक, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं लाइक ब्लूम की टैक्सोनॉमी से भी आप कनेक्ट कर लो, तो उसके बेसिस पर हमें कुछ इस प्रकार की रणनीतियां तैयार करनी होगी, इस प्रकार की विधियां तैयार करनी होगी ताकि बच्चा जो है आसानी से उन चीजों को समझ पाए। और ये सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में भी होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में लिखित रूप में रहेगी तो बच्चा उसको काफी अच्छे तरीके से और एक प्रॉपर सुस्पष्ट वे में उसको अचीव कर पाएगा। तो ये गणित के कुछ उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है विद्यालय गणित का परीक्षा पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF की यदि हम लोग बात करें तो इस आशा के साथ बनाया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी के गणित में सफलता उसके अधिकार के रूप में देखा जाए, विद्यार्थी आनंद पूर्वक गणित अधिगम करे और इससे अमूर्तता, आधारभूत संरचना, पारस्परिक संबंधों को अनुभव करने की क्षमता हासिल हो। मतलब NCF 2005 क्या बोलता है कि सिर्फ नंबर से पास नहीं करना है, बच्चा बिल्कुल अधिगम उस चीज़ का करे, आनंदपूर्वक तरीके से गणित को सीखे, गणित का जो फियर भूत होता है वैसी वाली चीज़ें बच्चों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चा केवल अध्यापक से ही नहीं सीखते, वे अपने मित्रों व अन्य बच्चों के साथ बातचीत करके अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति, वस्तु और सक्रिय भागीदारी तथा भाषा के साथ भी सीखते हैं। ये जो पूरे हमारे चैप्टर्स होते हैं उसका शॉर्ट शॉर्ट समरी है ताकि हमें पूरे चैप्टर पूरा थ्योरी ना पढ़ना पड़े, डायरेक्टली हम लोग जो एक बोलते हैं ना कि संक्षेप में आप पूरा एक चैप्टर को रिवाइंड कर रहे हैं वैसी वाली चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, सारी मेथड्स के शॉर्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है उद्देश्य विद्यालय शिक्षा को आनंददायक बनाना, हमारा टारगेट क्या होता है, तो बच्चों का गणितीकरण करना ताकि बच्चा इस वे में सोच पाए, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में उसका भावनात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे उसके कंप्लीट हो पाए, और विद्यालय शिक्षा को आनंददायक बनाना हमारा लक्ष्य होता है जिससे विद्यार्थी कक्षा के भीतर तथा कक्षा के बाहर रहकर विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल करके अपने अनुभवों को समृद्ध कर सके। मतलब कक्षा के भीतर भी और साथ ही कक्षा के बाहर भी इस प्रकार का माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे वो अपने अनुभव को और अधिक इंक्रीज कर पाए, उसमें इंक्रीमेंट हो पाए। नेक्स्ट है गणितीय सिद्धांत और व्यावहारिक गणित के बीच की दूरी को कम करना चाहिए। एक तो जो गणित के सिद्धांत होते हैं उनको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और एक जो व्यावहारिक गणित होती है जो हम लोग रियल लाइफ में प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो ये काफ़ी अलग हो जाती है। बच्चा जो गणित पढ़कर आता है वो किताब बंद करने के साथ ही वो ख़त्म कर देता है, उसके बाहर उसका प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो गणितीय सिद्धांत है और व्यावहारिक गणित जो है जो हम लोग रियल लाइफ में प्रयोग करते हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए, उनके बीच की दूरी कम करना चाहिए। इसके लिए गणित अधिगम को जीवन के विभिन्न स्थितियों से जोड़ना आवश्यक होता है। बच्चा जीवन में जितने भी अधिगम कर रहा है गणित से रिलेटेड उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए अपने गणितीय सिद्धांत के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पर, दो पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है गणितीय अधिगम जो है किस प्रकार से आनंददायक हो सकता है। अगर ये हमसे पूछा जाए कि हम ये लोग बोल रहे हैं कि आनंददायक तरीके से पढ़ाइए तो आप कैसे कर सकते हो, तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस बच्चे के पास क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरा है अमूर्त अवधारणा तथा स्थूल वस्तुओं के बीच गणित अधिगम में संबंध होना चाहिए। अमूर्त अवधारणा जो बच्चों के सामने मूर्त रूप में प्रेजेंट नहीं है, बच्चा इमेजिनेशन फॉर्म में जा रहा है, कल्पनात्मक रूप में जा रहा है, एक तो वो वाली चीज़, तथा जो स्थूल वस्तु हैं जो मूर्त रूप है उनके बीच में भी रिलेशन होना चाहिए। मान लो हम लोग बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम सिखा रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम लोग उसको पर्टिकुलर मैथ्स लैब में लेकर जा सकते हैं, देन हम लोग इस तरीके से कार्डबोर्ड लकड़ी के गट्टों का प्रयोग करके उसको पूरा सिखा सकते हैं कि किस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो जो कल्पनात्मक चिंतन और जो मूर्त चिंतन पॉसिबल है उस तरीके से वैलिड करते हुए चीज़ों बच्चों को सिखानी चाहिए। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए गणितीय खेल, पहेली और कहानी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर हम लोगों को यदि क्यूरियसिटी लेकर आनी है या फिर वो एक जिज्ञासा लेकर आनी है तो हम लोग कोई भी गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जिससे बच्चे गणित को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा माइंड सॉफ्ट बन पाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, देखो आगे हमको बताया हुआ है कि गणित के जादू विकसित करें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। देखो मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स के जादू होते हैं, लाइक एक 3 नंबर एक ऐसा होता है और एक 9 नंबर ऐसा होता है जिसमें आप किसी भी संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, एट द लास्ट वो ही नंबर आता है। आपने इवन यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज ऐसे भी देखे होंगे कि मैं आपको आपकी बर्थ डेट बता सकती हूँ, तो वो करते कुछ नहीं है, वो नंबर को जोड़ घटाओ करके, 3 और 9 को जोड़ घटाओ करके ही बताते हैं। तो गणित के जादू होते हैं ये नंबर्स, जिसे हमने एक पढ़ा था माया जादू,
ठीक है, वो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैट्रिक्स भी ऐसा था कि आप इस तरीके से हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली यदि किसी भी नंबर्स को जोड़ते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल आता है। तो इस तरीके से गणित के जादू विकसित करें, इससे विद्यार्थियों में गणित अधिगम के प्रति रुचि बनेगी। सेकेंड है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे फ्लैश कार्ड, पत्थर, वस्तुएं, चार्ट, कैलेंडर, ताश के पत्ते, डिब्बे आदि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे से कार्ड हो सकते हैं, उन कार्ड पर कोई भी इन्फॉर्मेशन लिखकर बच्चों को कलेक्ट करने को बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। ये TLM की बात कर रहा है, TLM मतलब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसे यूज करो जो आपके बच्चे की मैथ्स को इम्प्रूव कर पाए। गणितीय प्रश्नोत्तरी हो सकती है, गणित के बारे में वाद विवाद हो सकते हैं, कार्यशाला का आयोजन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। गणित के बेसिक कुछ क्वेश्चन ओरली पूछे जा सकते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड हो सकते हैं, नॉर्मल आपकी जैसे आप कितना फास्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, या फिर गणित से रिलेटेड कोई भी प्रश्नोत्तर हो सकते हैं बच्चों के साथ। वाद विवाद, इस पर एक डिबेट का आयोजन हो सकता है, कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं, महान गणितज्ञों के चित्रों का संग्रह करके, ये सबसे बेस्ट वे होता है बच्चों को गणित की जानकारी निकालने का। मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैं उनको बोल दूं कि आज आपको पर्टिकुलर जो पहला बच्चा है एक्स को आर्यभट्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वाई जो है भास्कराचार्य के बारे में निकालेगा, जेड जो है श्रीनिवास रामानुजन की जानकारी लेकर आएगा। तो एक एक बच्चा जब एक एक इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगा, देन वो अपना वहाँ पर एक्सटेम्पो परफॉर्म कर सकता है, फिर कोई भी एक हम लोग डिबेट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से कलेक्ट करवा सकते हैं। अन्वेषण के द्वारा सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करना, यहाँ पर अन्वेषण खोज विधि का प्रयोग करके भी हम लोग बच्चों की बहुत सारी स्किल्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। अगला है, गणितीय सिद्धांत और अनुप्रयोग के बीच में दूरी कम करके, वही हम लोग बात कर रहे थे जो कि व्यावहारिक गणित है, और एक जो सैद्धांतिक गणित है जो फॉर्मूला बेस्ड ही रह जाती है बुक के अंदर, तो उसके बीच का डिस्टेंस कम करके, मतलब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करवाकर सिद्धांतों को, गणित को जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर, विद्यार्थियों से कहे कि क्षेत्रीय खेल, गाने, नाटक आदि का गणित अधिगम में इस्तेमाल करें। मतलब जब भी वो गाने, नाटक आदि का प्रयोग करते, तो कहीं ना कहीं मैथ्स को भी उससे के साथ कनेक्ट करते हुए चले। विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर ले जाकर प्रकृति का अवलोकन करने के लिए कहना, ये भी गणित के लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि बच्चों के अंदर हम लोग जो गणित को लेकर फियर है उसको कम कर सकते हैं। अगला है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उत्साहित करना, ये भी एक तरीका हो सकता है। विद्यार्थी अधिक गणित सीखेंगे यदि गणित अधिगम अधिक मनोरंजक और रुचिपूर्ण होगा। तो वही चीज़ें बताई जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आनंदपूर्वक तरीके से बच्चों को गणित सिखाइए, तो बच्चे गणित को डेफिनेटली लर्न करेंगे। अगला है, विद्यार्थियों पर वयस्कों के विचार न थोपे, इससे उनके सृजनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जब भी बच्चों को हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको ये लर्न करना है या फिर ये चीज़ें पहले से फिक्स है तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए, ऐसी चीज़ें ना करते हुए उन्हें खुद से खोज करने का मौका दे, उस गणित को समझने का मौका दे जो उनके लिए कभी फियर बना हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों के लिए आनंददायक गणित को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहला है, हमने एक चित्र दिया और उससे पूछा कि बताइए आपको इसमें कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करेगा कि एक तो सबसे बड़ा ये दिख ही रहा है, फिर ये दूसरा इसका छोटा भाग यहाँ पर दिख रहा है, फिर इस तरीके से अगर यहाँ पर तीसरा बनता है, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से बच्चा यहाँ पर चीज़ों को कैलकुलेट करके भी कर सकता है। तो यहाँ पर उसके जो सोचने की क्षमता है उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो ये काफ़ी आनंददायक तरीका एक हो सकता है। दूसरा है, एक अंक का 3 बार प्रयोग करके आप 30 कैसे ला सकते हो, तो ये भी बच्चा यहाँ पर सोचने को मजबूर होगा, तो उसका तार्किक चिंतन जो है यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों के अंदर जो है उसकी सोच का गणितीकरण कर सकते हैं और गणित को काफ़ी आनंददायक पूर्वक बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको कुछ 12 तरीके दिख रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त होती है, तो ये कुछ क्वीज है जिन्हें वन लाइनर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण विधि उपयुक्त होती है, तो खेल मनोरंजन विधि के माध्यम से वही बच्चों को एक आनंदपूर्वक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होती है। जब बच्चों को हम लोग रेखा गणित पढ़ा रहे होते हैं तो रेखा गणित के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग विश्लेषण विधि जो है, एनालिटिकल मेथड जो होती है, जहाँ पर बच्चा हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को विश्लेषण करेगा। कोई भी हमने रेखा गणित पढ़ाई तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें बच्चा देखेगा कि ये कैसे सिस्टम हो रहा है, ये कैसे चीज़ें बन रही है, तो रेखा गणित के लिए हम लोग विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो बेलनाकार आकृति के लिए कौन सी शिक्षण विधि हो सकती है, लाइक हम लोग बेलन वगैरह के बारे में, शंकु वगैरह, कोन वगैरह के बारे में यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग आगमन निगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं।
आगमन हमारे पास बेलन हो सकता है, बेलन के माध्यम से उस स्ट्रक्चर का कोई भी टीन का डब्बा हो गया, कोई भी चीजें हो गई, शंकु शेप में हमारी कोई केप टोपी हो गई, तो उसको लाकर हम बच्चों को बता सकते हैं कि देखो इसका हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना हुआ, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हुआ, आयतन फाइंड आउट करना हुआ, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो आगमन निगमन विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। नवीन प्रश्न को हल करने के लिए कोई भी नया क्वेश्चन आया तो हम लोग उसको उदाहरण के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो जब नवीन प्रश्न होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट आपके पास यहाँ पर है। फिफ्थ पॉइंट आपसे ये बोल रहा है कि स्वयं खोज करके अपने आप सीखने की विधि, मतलब बच्चा खुद से खोज करके, तो वो अनुसंधान विधि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अनुसंधान विधि के माध्यम से, जो ह्यूरिस्टिक मेथड होती है उसके माध्यम से बच्चा यहाँ पर सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकती है? बच्चों का मेंटल, फिजिकल और जो सोशल डेवलपमेंट है खेल विधि के माध्यम से अच्छे से सीखेगा। क्योंकि देखो फिजिकल डेवलपमेंट में उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगी, शारीरिक विकास के लिए खेल विधि सबसे अच्छी होती है, सबसे उपयुक्त होती है, तो खेल विधि का हम लोग यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जियोमेट्री, लाइक यूक्लिड की ज्यामिति होगी, इस प्रकार की ज्यामिति की जितनी भी प्रॉब्लम होती है जियोमेट्री से रिलेटेड, तो हम लोग विश्लेषण विधि का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन सी होती है? सर्वाधिक खर्चीली विधि हमारी प्रोजेक्ट विधि होती है, क्योंकि उसमें बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत लगता है, समय भी बहुत अधिक लगता है, ठीक है, तो इसलिए सर्वाधिक खर्चीली विधि माना जाता है प्रोजेक्ट विधि को। अगर यदि हम लोग बात करें बीजगणित की, तो बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि, बीजगणित को यदि हम लोगों को सॉल्व करना है, सिखाना है बच्चों को, तो हम लोग समीकरण विधि के माध्यम से सिखा सकते हैं। समीकरण विधि में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, आप विलोपन विधि के माध्यम से सिखा सकते हो, बहुत सारी विधियाँ होती है, तो बीजगणित के लिए हम लोग समीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र रचना के लिए हम लोगों को कोई भी सूत्र बनाना है, लाइक हम लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम दी हुई थी और इसका बोला गया कि सूत्र कैसे बनाओगे, तो हम लोग उदाहरण के माध्यम से वो ये कार्डबोर्ड वगैरह लकड़ी का गट्टा हम लोग लेंगे, इस तरीके से उसका शेप करेंगे और फिर बताएंगे कि देखो इसको ऐसे मेजर करना है, इस तरीके से हम लोग इसकी लंबाई, ये ऊंचाई मेजर करेंगे, मतलब कर्ण वगैरह मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ें बेस और हाइट मेजर करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पर सूत्र रचना के लिए आगमन विधि उदाहरण के माध्यम से पहले ही उदाहरण बता दो, उसके बाद उसका सूत्र कैसे बना वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? प्राथमिक स्तर पर वही, या फिर छोटी कक्षाओं के लिए भी बोल दो तो सेम ही विधि है, खेल मनोरंजन विधि का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देती है, मतलब जहाँ पर बच्चा जो है खुद से आविष्कार करे, खुद से नई खोज करे, तो विश्लेषण विधि इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देती है। बच्चा जब एनालिटिकल होगा, उसकी थिंकिंग एनालिटिकल होगी, जब वो चीज़ों को विश्लेषित करेगा तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज कर पाएगा, सर्च कर पाएगा, तो ये चीज़ें जो है विश्लेषण विधि जो है हमारी वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देती है। तो ये एक तरीके से आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो गए जो बेसिक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में, 6 PM आपका CDP सेशन रहेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।